वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, द एनिमी, रिटन बाय पॉल एस बुक. बिफोर यू रेड, इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. ये क्या था? वर्ल्ड वॉर का टाइम था, विश्व युद्ध का टाइम था. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट. एक जो अमेरिकन प्रिजनर था, अमेरिका में एक कैदी था, जो वो क्या हुआ था, वॉर का कैदी था वो, यानी कि वॉर मीन्स होता है युद्ध में उसे पकड़ा गया था. इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट. वो कहाँ आया? बहते हुए तट के किनारे आया. किसमें? डाइंग स्टेट में, यानी कि वो किसमें था? मरने की स्थिति में था. एंड इज फाउंड एट द डोर स्टॉप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर. और कहाँ पाया गया वो? किसके दरवाजे पे? एक जापानीज डॉक्टर है, उनके डोर स्टेप पे वो मिला, यानी कि उनके दरवाजे पे वो मिला. Should be save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot. वो बोल रहे कि should he save him, क्या उसे उसने बचाया या बचाना चाहिए as a doctor, डॉक्टर के रूप में, और hand him over the army as a patriot, या फिर उसे एक देशभक्त, patriot होता है देशभक्त, patriot के रूप में उसे उस आदमी को आर्मी को सौंप देना चाहिए. तो इस बिफोर यू रेड पढ़ने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि जो स्टोरी है वो एक डॉक्टर के बारे में है, और उसकी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में है कि जो डॉक्टर है उसका जो प्रोफेशन होता है वो क्या होता है, लोगों की जान बचाना. तो वो कैसे उसकी जान बचाता है, या फिर क्या वो उसकी जान बचाता भी है या नहीं बचाता है, ये क्या है, उस पर एक क्वेश्चन मार्क है. इस स्टोरी में हम आगे पढ़ेंगे कि जो डॉक्टर सैदा है वो जो उसका पेशेंट है उसकी जान बचाता है या नहीं बचाता है. तो इसमें ये एक तरह से एक कमेंट है उन लोगों के ऊपर, मतलब किसी भी प्रोफेशन के ऊपर, कि वो जो है कोई भी बंदा जो उस प्रोफेशन में है, किसी भी स्पेशल प्रोफेशन की बात आप कर सकते हैं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभा रहा है या नहीं निभा रहा है. लेट्स स्टार्ट. Dr. Seda Hawke's house was built on a spot off the Japanese coast where as a little boy he had often played. ठीक है, जो डॉक्टर सैदा है, सैदा हॉकी उसका नेम है, उनका जो हाउस है वो बना हुआ है कहाँ पे? एक जापानीज कोस्ट है, जापानीज कोस्ट यानी कि समुद्र के किनारे जापान में. वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेट, जहां वो छोटे बच्चे के रूप में अक्सर खेला करता था. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंड पाइन्स. ठीक है, उसका घर कैसा है? छोटा है, स्क्वायर स्टोन, उसमें स्क्वायर जो है स्टोन लगे हुए हैं. हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स, जो हाउस है वो चट्टानों पे बना हुआ है. वेल अबव अ नैरो बीच, जो क्या है, बीच जो है, बीच मीन्स होता है किनारा. ठीक है, समुद्र के किनारे पर चट्टाने जो होती है उस पर उसका घर बना हुआ है. दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंड पाइन्स, और उसके घर के पास क्या है, जो पाइन्स है, पाइन्स आपने देखा होगा जो चीड़ के पेड़ होते हैं, वो बेंट है यानी कि झुके हुए हैं, और उन झुके हुए चीड़ के पेड़ों से उसके घर में कैसी बन रही है, एक आउटलाइन बन रही है. एज अ बॉय सैदा हैड क्लाइम्ब द पाइन्स, एज बॉय के रूप में जब वो छोटा था तो सैदा क्या करता था, उन पाइन्स के चीड़ के पेड़ों में चढ़ा करता था. सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, कैसे, बिना बेयर फीट, मीन्स हमने जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर पढ़ा था उसमें भी बेयर फीट ये वर्ड आया था. तो बेयर फीट मीन्स होता है नंगे पैर. तो सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, वो क्या कर रहा है, नंगे पैरों से पेड़ पे चलता है. एज ही हैड सीन मैन डू इन अ साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम फॉर कोकोनट, जैसे जो साउथ सीज होते हैं यानी कि जो दक्षिणी जो समुद्र होते हैं वहां पे क्या होते हैं, लोग जो कोकोनट के पेड़ होते हैं उसमें लोग क्या करते हैं, कोकोनट तोड़ने के लिए कैसे चढ़ते हैं, नंगे पैर चढ़ते हैं. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, जो उसके फादर हैं वो उसे उन आइलैंड्स पर ले जाया करते थे, जो नदियां हैं उनके, समुद्र के. एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और वो कभी भी ये कहना नहीं भूलते थे उस छोटे बहादुर बच्चे को कि दोज आइलैंड्स योंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान. ठीक है, कि जो क्या है, ये जो आइलैंड है ये एक दिन जो जापान का फ्यूचर है उसे क्या ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे. स्टेपिंग स्टोन मीन्स होता है आगे लेके जाना. वेयर शैल वी स्टेप देम फ्रॉम, वो बोलता है कि कैसे हम इनके इन पर
आगे इनकी तरह हम कैसे आगे जा सकते हैं। सैडो हैड आज सीरियसली, वो सीरियस होकर के अपने फादर से ये पूछता है कि कैसे हम इनके द्वारा आगे जा सकते हैं। हु नोज, उसके फादर कहते हैं कौन जानता है। हिज फादर हैज आंसर्ड, उसके जो फादर हैं वो आंसर देते हैं कि हु नोज, कौन जानता है। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कि जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा भविष्य है, उसे कौन सीमित कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन वट वी मेक इट, वो कह रहा है कि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हम इसे क्या बनाते हैं, यानी कि हमारे बनाने के ऊपर ही हमारा क्या करता है, फ्यूचर डिपेंड करता है। ये क्या है, इसकी फेमस लाइन्स है। तो आप इसे एज अ कोटेशन अपने किसी भी क्वेश्चन में आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट जो अभी चैप्टर पढ़ाया है उसमें हमने बताया था कि इन फेमस लाइन्स के थ्रू जो हमारा आंसर होता है वो इम्प्रेसिव बनता है और वी कैन गेन मोर। सैदा हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जो सैदा था वो क्या करता था, उसने ये बात भी अपने माइंड में बैठा ली, जैसे वो और बातें अपने जो उसके फादर कहते थे वो बैठा लेता था, वैसे ही उसने ये बात भी अपने दिमाग में बैठा ली। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम बट हु स्पेंड इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, तो जो उसके फादर थे ना वो कभी मजाक नहीं करते थे, ना उन्होंने कभी सैदा के साथ खेला, बट उन्होंने क्या किया, अपना जो मतलब सैदा को पालने में जो उनको दर्द होता था वो सारा उन्होंने क्या किया था, उसके साथ अपने इकलौते पुत्र के साथ उन्होंने फेस किया था। सैदा न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सैदा जानता था कि जो उसके फादर हैं उनका एक प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो सैदा है उसकी एजुकेशन कैसी हो, अच्छी हो। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, ठीक है। तो जो वो था सैदा था, उसे कहाँ भेज दिया गया, जब वो 22 का था तो उसे अमेरिका भेज दिया गया लर्न के लिए, क्या सीखने के लिए, सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन के बारे में। सर्जरी मीन्स आपको पता है जिसे आप मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उन्हें सर्जरी कहते हैं, और मेडिसिन हो गई दवाइयां। तो वो क्या बना, एक वहां जाकर के वो उसे सर्जन बनने के लिए वहां भेज दिया गया। ही हैड कम बैक एट 30, और वो 20 में उसे भेजा था और 10 साल बाद यानी कि 30 में वो वहां से लौट के आया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सैदा बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, जो उसके फादर थे उन्होंने सैदा को प्रसिद्ध होते हुए ही नहीं देखा बल्कि कैसे देखा, एक साइंटिस्ट के रूप में प्रसिद्ध होते हुए भी उन्होंने उसे देखा। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, उसने क्या किया, एक ऐसी discovery की, एक ऐसी खोज की जिसमें क्या होता था, एक जो हमारे जो घाव है उन्हें कैसे क्या किया जाता था, पूरी तरह से clean किया जा सकता है, ऐसी उसने दवा का क्या किया, खोज की। He had not been sent abroad with the troops, और उसे जापान नहीं भेजा गया ट्रूप्स के साथ, सेना के साथ। Also he knew, वो यह भी जानता था कि there was some slight danger that the old journal might need an operation for a condition for which he was now being treated medically and for this possibility Seda was being kept in Japan, ठीक है। तो उसमें क्या था, जो जर्नल था, जो आर्मी का जर्नल था, उसको क्या था, ऐसा माना जाता था कि उसकी जो तबीयत है वो किसी भी समय खराब हो सकती है, उसे किसी भी समय ऑपरेशन की जरूरत हो सकती है। तो इस वजह से जो सैदा है वो क्या हुआ, उसे बाहर जाने का मौका नहीं मिला, वो कहाँ रहा, जापान में ही रह गया। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, अब जो क्लाउड्स थे वो क्या होता है, वो देखता है कि वो ओशियन से धीरे धीरे क्या उठ रहे हैं, बादल उठ रहे हैं। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठीक है। ठंडी लहरों के द्वारा जो कुछ दिन से जो वार्मथ थी, ठीक है, जो गर्माहट थी वो कैसे हो रही थी, वो हैवी फॉग के साथ कहाँ आ गई, कोल्ड वेव्स के साथ हैवी फॉग लेकर के आ गई। सैदा वॉज्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर, सैदा ने देखा कि जो मिस्ट है, जो धुंध है, उसने छिपा दिया है आसपास के जो छोटे छोटे आइलैंड हैं उन्हें। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और क्या था, और वो धीरे धीरे कहाँ आ गया, नीचे भी आ गया, हाउस के नीचे भी वो धुंध आ गई। ब्रीदिंग राउंड
वीडिंग अराउंड द पाइन्स, और उसके बाद क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे वो पाइन्स के पेड़ यानी कि जो चीड़ के पेड़ है उनके आसपास भी वो फैल गया है। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और कुछ ही देर में जो फॉग थी, जो धुंध थी, उसने हाउस को भी क्या कर लिया, अपने उसमें अपने अंदर ले लिया। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द टू चिल्ड्रन। उसके बाद ही वुड गो इन टू द रूम, उसके बाद वो कहाँ चले गया, रूम में चले गया वेयर हैना, हैना जो है वो उसकी वाइफ है, वो हैना के पास गया। वो हैना किसकी वाइफ है, सैदा की, सैदा की वाइफ का नाम क्या है, हैना है। तो हैना के पास गया जो रूम में क्या कर रही थी, दो बच्चों के साथ उसका वेट कर रही थी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, उसी समय क्या हुआ, जो दरवाजा है वो खुला, एंड से लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा, अ डार्क ब्लू वुलन हेयोरी, और एक डार्क ब्लू कलर की उसने क्या पहनी थी, हेयरोरी पहनी थी। हेयरोरी क्या होती है, एक देखो स्वेटर टाइप कार्डिगन टाइप का होता है जिसे क्या पहना जाता है, दूसरी ड्रेस के बाहर से पहना जाता है। तो उसने हेयरोरी पहनी थी ओवर हर किमिनो, उसकी ड्रेस है किमिनो, उसके ऊपर उसने हेयरोरी पहनी थी। यहाँ पे भी आपने देखा होगा हेयरोरी का मीनिंग दिया है, अ लूज आउटर गारमेंट, यानी कि ढीला ढाला सा एक किसी आउटर गारमेंट, मतलब बाहर से पहनने वाला एक वस्त्र है, वॉन ओवर द किमिनो, जो किमिनो के ऊपर पहना जाता है। तो उसने भी क्या पहना, हैरी ओवर हर किमिनो, सी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, और उसने क्या किया, प्यार से अपना जो हाथ है, अपने जो हाथ है उसे कहाँ रखा, उसने उसके ऊपर रखा और उसके साथ खड़ी हो गई, स्माइल, और स्माइल किया उसने एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहा। ही हैड मेट हैना, और वो हैना से मिला इन अमेरिका, कहाँ, अमेरिका में वो हैना से मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर ही वॉज जापानीज, और वो तब तक, ये कहा गया है कि वो तब तक उससे उसने प्यार नहीं किया जब तक कि उसे ये पता नहीं चल गया कि जो हैना है वो जापानीज है। His father would never have received her unless she had been pure in her race. और उसके फादर ने उसे तब तक एक्सेप्ट नहीं किया हैना को जब तक कि उन्होंने क्या कर लिया, she had been pure in her race, जब तक कि उसने साबित नहीं कर दिया कि वो क्या है, प्योर है। See, he wondered often whom he would have married if he had not met हैना। वो बोलता है कि अभी, मतलब उसको आश्चर्य होता है कि अगर उसकी हैना के साथ मैरी नहीं हुई होती तो वो कैसा होता है। एंड बाय वट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, बाय चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। ठीक है, यानी कि वो क्या था, एक अमेरिकन प्रोफेसर के हाउस में गया था, कैसे, चांस लिटरली, अचानक से ही गया था वो। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, जो प्रोफेसर है उनकी जो वाइफ है वो कैसे हैं, बहुत दयालु लोग थे, एनेक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरन स्टूडेंट्स, और वो क्या थे, बहुत ज्यादा चिंतित थे अपने कुछ जो विदेशी उनके स्टूडेंट्स थे उनके लिए। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और जो स्टूडेंट है वो क्या थे, उन्होंने भी इस काइंडनेस को एक्सेप्ट किया था। सैडा हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट, जो सैदा था वो उसे बताता है कि उस रात जब वो प्रोफेसर हार्ले के हाउस में गया था, द रूम्स वर सो स्मॉल, जो कमरे थे वो कहते बहुत छोटे थे, द फूड सो बैड, जो खाना था वो बहुत बुरा था, द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो कैसी थी, वाचाल थी, यानी कि बहुत ज्यादा क्या थी, बातूनी थी, बहुत ज्यादा बातें करती थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना, और उसने देखा कि वो वहां गया, पर उस प्रोफेसर के घर पर जाने पे ही उसे कौन मिली, वहां हैना से, वहां उसकी क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी, अ न्यू स्टूडेंट, क्योंकि जो हैना थी वो कैसी थी, वहां एक नई स्टूडेंट थी, एंड हैव लेफ्ट ही वुड लव हर, और उसने क्या किया था, हैड फेल्ट He would love her if it were at all possible. और उसने तब वहां क्या हुआ था, उसकी उससे पहली मुलाकात हुई थी और तब वो उससे वहां प्यार करने लगा था। Now he felt her hand on his arm. और अब उसने क्या किया, उसका हाथ जो है अपनी आर्म में महसूस किया, and was aware of the pleasure it gave him. और उन्होंने अपने पुराने दिन याद किए, even though they had been married years enough to have the two children. उनकी जो शादी थी वो काफी साल पहले हो चुकी है और उनके दो चिल्ड्रन है, दो बच्चे हैं, फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम टू जापान, एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे। मतलब इन सारी चीजों से ये पता चलता है कि जो डॉक्टर सैदा थे वो कैसे चाहते थे, एक जापानीज लड़की चाहते थे
फॉर मैरिज, शादी के लिए। तो इस वजह से जो उनके फादर हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो ओल्ड तरीका है यानी कि जो पुराना तरीका है, जापानीज लोग जैसे पुराने तरीके से शादी करते थे, तो उन्होंने भी वैसे ही शादी कराई सैदा और किसकी हना की। ऑल दो सैदा एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर फोर हैंड। और जो सैदा और हैना थे वो क्या करते थे, वो उसके बारे में क्या करते थे, पहले से ही उन्होंने उसके बारे में फोर हैंड मैन की बातें कर ली थी। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो क्या थे, अब क्या थे, अच्छे से क्या, वो खुश थे, वो पूरी तरह क्या थे, खुश थे। सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और उसने अब क्या किया, धीरे से जो उसके चीक्स हैं उन्होंने उसको उसकी आर्म पे रख दिया। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। और उसी समय उसी क्षण उन्होंने देखा दोनों ने कि कुछ उस जो मिस्ट है यानी कि जो धुंध है उससे कुछ ब्लैक कलर का क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। इट वॉज अ मैन, तब उन्होंने देखा कि इट वॉज अ मैन, कि ये कौन है, एक आदमी है। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन फ्लंग, उन्होंने देखा कि जो आदमी है वो उसे ऊपर फेंक दिया है किसने, जो जो लहरें हैं जो वेव्स हैं उन्होंने उसे क्या कर दिया, ऊपर फेंक दिया है। इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, ऐसा लग रहा था कि जो उसके फीट हैं वो कैसे हो गए, ब्रेक हो गए हैं। ही स्टेगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, स्टेगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, उसने क्या करा, अपने कुछ जो पैर हैं उसके वो कैसा कर, ही स्टेगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वो अपने पैरों को रगड़ते हुए आगे बढ़ा। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस आदमी को, ये क्या है, समुद्र के किनारे आया है और यहाँ से पैर अपने कैसे, क्योंकि वो घायल है तो इस वजह से वो कैसे आ रहा है, लड़खड़ाते हुए आगे को आ रहा है। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, और जो उसकी बॉडी है वो धीरे धीरे जो है मिस्ट है उससे बाहर निकल रही है। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, जो उसकी आर्म्स हैं वो कहाँ है, उसके सर के ऊपर है। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और जो जो मिस्ट है जो धुंध है वो दोबारा से उसको क्या कर लेती है, छिपा लेती है। हु इज दैट, उन्होंने बोला, हैना क्राइड, हैना ने जोर से चिल्लाया कि हु इज दैट, कि यो कौन है। सी ड्रॉप्ड सैदाज आर्म एंड दे बोथ लीन ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांदा, और उन्होंने उसने क्या किया, सी ड्रॉप्ड सैदाज आर्म, उन्होंने सैदा की आर्म से अपने हाथ हटाए और दे बोथ लीन ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांदा, और उन्होंने जो उनका वरांदा था उसके रेलिंग से उन्होंने नीचे की ओर देखा। नाउ दे सॉ हिम अगेन, और उन्होंने दोबारा से उसे देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, जो आदमी है वो अपने हाथों से और पैरों से क्रॉलिंग यानी कि रेंगता हुआ आ रहा था। Then they saw him fall on his face and lie there. तब उन्होंने देखा कि fall on his face and lie there, वो क्या हुआ, गिर गया अपने फेस के बल और वहां लेट गया है। A fisherman perhaps, सैदा said, सैदा ने कहा कि वो हो सकता है कि वो कौन हो, एक fisherman हो। Washed from his boat, जो क्या हो गया हो, अपनी बोट से क्या हो गया हो, गिर गया हो। He ran quickly down the steps, और वो क्या हुआ, दौड़ता हुआ नीचे गया। And behind him हैना केम, और उसके पीछे पीछे हैना भी आई। हर व्हाइट स्लीव्स फ्लाइंग, उसके जो स्लीव्स हैं वो उसने ढीले ढाले कैसे पहने, कपड़े पहने थे, और उसके ऊपर उसने क्या पहन रखा था, जो ड्रेस पहनी थी, आउटर गारमेंट पहना था वो, के उसके जो स्लीव्स थे वो क्या उड़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। अ माइल और टू अवे और आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, उसने बोला कि मतलब एक मील दूर और दो मील दूर यहाँ पे क्या है, फिशिंग विलेजेस हैं। बट देयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, और वहां पे क्या है, बट वहां पे मतलब खाली जो कोस्ट है, किनारे हैं वो हैं। डेंजरस विद रॉक्स, वो कैसे हैं, खतरनाक हैं, रॉक से भरे हुए हैं। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, ठीक है, यानी कि जो क्या है, जो सर्फ है वो बीच के किनारे वो किसको, चट्टानों को स्पाइक करके आता है यानी कि उनको भेद करके आगे आता है। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, कैसे, वो कहता है कि मैं, जो आदमी है उसने मैनेज किया था कि कैसे वो क्या है वहां से बाहर आया। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और इसी वजह से वो चट्टानों की वजह से वहां वो टकराया होगा और इस वजह से उसे इतनी घाव और इतनी चोट लगी होंगी। दे सॉ व्हेन दे केम टूवर्ड हिम, उन्होंने देखा कि जैसे ही उसके पास आए, दैट इंडीड इट वॉज सो, द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, ऐसा लग रहा था कि जो वहां पे रेत है वो कैसी है, ऐसा लग रहा था कि उसमें से क्या हो रहा हो, ब्लड गिर रहा हो। ही वॉज वाउंडेड, वो कैसा था, वाउंडेड था, वो घायल था। सैदा एक्सक्लेम्ड, उसने जोर से कहा कि ही इज वाउंडेड, कि वो क्या है, घायल है। ही मेड हैस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस, उसने क्या जल्दी से वहां गया जो उस आदमी के पास जो मोशनलेस पड़ा था यानी कि उसमें कुछ जो उस व्यक्ति के पास जो
गतिहीन पड़ा था. हिज फेस इन द सैंड, उसका जो चेहरा था वो किस में था, रेत में था. एंड ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विथ सी वाटर. ऐसा लग रहा था कि जो उसका हेड है वो जो समुद्र का पानी है उससे क्या हो गया, वो भर गया हो. ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट्स, उसके जो कपड़े थे वो कैसे थे, गीले थे. रैक्स मतलब फटे हुए थे. सैदा स्टॉप, जो सैदा था वो स्टॉप रुक गया. हैना एट हिज साइड, और हैना जो दूसरी साइड थी. एंड टर्न द मैंस हेड, और उसने वो कहा हुई जो आदमी का सर है उसकी ओर गए. दे सॉ द फेस, उसके बाद उन्होंने क्या देखा, उसका चेहरा देखा. अ व्हाइट मैन, हैना विस्पर्ड, हैना ने कहा कि ये क्या है, अ व्हाइट मैन, कि ये क्या है, एक गोरा आदमी है. व्हाइट मैन यानी कि क्या है, कि उनके कंट्री का नहीं है, जापानीज नहीं है, कौन है, फॉरनर है. यानी कि तब उसे शक हुआ कि ये यहाँ का नहीं है, कोई बाहर का आदमी है. यस इट वॉज अ व्हाइट मैन, उसने बोला कि हाँ ये क्या है, एक व्हाइट मैन है. द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येल्लो हेयर लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट. उसने कहा कि हाँ जो उसकी कैप है वो कैसी हो गई, नीचे गिर गई थी. देयर वॉज हिज वेट येल्लो हेयर, और उसके जो येल्लो कलर के हेयर हैं, गीले जो उसके पीले रंग के बाल हैं, लॉन्ग जो लंबे हैं, ऐसा लग रहा है कि उसने कई वीक्स से, कई सप्ताहों से उसने उन्हें काटा नहीं है. एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येल्लो बियर्ड, और उसके ऐसा लग रहा है कि उसके जो जवान और जो उसका टॉर्चर्ड फेस है यानी कि जिस पे बहुत ज्यादा जुल्म किए गए हैं, ऐसा फेस वॉज अ रफ येल्लो बियर्ड, और उसमें क्या है, कैसी है, गंदी सी येल्लो कलर की क्या है, बियर्ड है, दाढ़ी है. ही वॉज अनकॉन्सियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम. ही वॉज अनकॉन्सियस, वो क्या था, अनकॉन्सियस था, अचेत पड़ा हुआ था, ठीक है. एंड न्यू नथिंग, और वो कुछ नहीं जानता था, दैट दे डिड फॉर हिम, कि जो भी वो उसके लिए कर रहे थे. नाउ सैदा रिमेम्बर्ड द वाउंड, जो सैदा है उसे वाउंड मिलता है. एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगिन टू सर्च फॉर इट, वो क्या करता है, अपनी एक्सपर्ट फिंगर से वो घाव को ढूंढने की कोशिश करता है. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जो ब्लड था वो उसके टच से क्या होता है, और बहने लगता है. ऑन द राइट साइड ऑफ हर लोअर बैक सैदा सॉ दैट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन, उसने देखा कि एक जो गन है उसकी जो मतलब जो गन से उसे गोली जो लगी थी वो कहाँ थी, उसके राइट साइड में थी, लोअर बैक मतलब यानी कि उसकी पीठ में राइट साइड में वो गोली लगी थी. द फ्लैश वॉज ब्लैकन्ड विद पाउडर, और जो फ्लैश था वो कैसा था, मतलब ब्लैक कलर का, जो फ्लैश वॉज ब्लैकन्ड विद पाउडर, और पाउडर से वो कैसा हो गया था, ब्लैक हो गया था. समटाइम नॉट मैनी डेज एगो, कुछ ही दिन पहले, ज्यादा दिन पहले ये हुआ नहीं था. द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, उसके बाद जो मैन था वो उसे गोली मार दी गई थी एंड हैड नॉट बीन टेंडेड. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, और वो बोल रहे थे कि ये बहुत बुरा था कि जो चट्टान है उसने भी उसके जो घाव है उसे स्ट्रक कर दिया है. ओह How is he bleeding? अब वो कह रहे हैं कि ओह हाउ इज ही ब्लीडिंग, कि ब्लीडिंग कैसे हो रही है ना, विस्पर्ड अगेन इन अ सॉल्म वॉइस, जो है ना वो उदासी की आवाज में कहती है कि ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग, कि वो ब्लीडिंग क्यों कर रहा है, कैसे वो ब्लीडिंग हो रही है, सारे क्वेश्चन वो है ना जो है उससे पूछती है. द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली, जो मिस्ट था वो अब क्या है, पूरी तरह हट गया है. एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और अब इस ये दिन के टाइम में वो कह रहा है कि अब कोई नहीं आएगा. द फिशरमैन हैड गॉन होम, जो फिशरमैन है वो घर चले गए होंगे. एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट द एंड, और जो बीच कॉम्बर्स होते हैं वो क्या है, वो दिन के जब खत्म होता है तो तब वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी दिखाई नहीं देते हैं. सो दिस इज सो स्टूडेंट्स टूडे वी हैव डन इन दिस लाइन. And from tomorrow we will starting from what shall we do with this man from this line. Okay. So if you like our videos, please like, share, comment and subscribe our channel. Thank you.